बैट नॉक करने की इम्पोर्टेंस है कि हम बैट का जो फेस होता है, जो विलो है, वो सॉफ्ट होती है, तो उसको हार्ड करने के लिए हम नॉकिंग करते हैं। नॉकिंग इवनली करने से बैट का जो फेस है, उसके जो फाइबर्स हैं, वो आपस में पास पास आ जाते हैं, उससे बेटर पिंग मिलता है बैट को और ब्रेक होने के चांसेस जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। बैट नॉकिंग करने से पहले ऑयलिंग करते हैं अगेन उसको, क्योंकि विलो अगर ड्राई है तो टूटने के चांसेस हो सकते हैं। हैंड नॉकिंग मैलेट से और मशीन नॉकिंग में जो डिफरेंस है वो ये है कि हम अगर हाथ से अपने करते हैं तो अनइवनली मारते हैं और अनइवन प्रेशर से मारते हैं, वेयर एज मशीन नॉकिंग में क्या होता है कि हर नॉक एक पर्टिकुलर फोर्स से मारा जाता है। आप मशीन की स्पीड जो मर्जी कर लें, कम तेज़, बट जो फोर्स एग्जर्ट करता है वो बैट के ऊपर वो सेम होता है, जो कि मैन्युफैक्चरर्स ने मशीन के साइंटिफिकली टेस्ट करके बनाया है। तो बहुत सेफ़ हो जाता है इसे करना, प्रेसिंग से ज़्यादा सेफ है, हैंड नॉकिंग से ज़्यादा सेफ है और रिजल्ट्स भी ज़्यादा बेटर है। गाइस, जिनकी अभी आपने आवाज़ सुनी, ये है श्रेय भल्ला जी, जीपैक्स स्पोर्ट्स के ओनर। इन्होंने इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा ही क्लैरिटी दिया है कि हैंड नॉकिंग में और मशीन नॉकिंग में क्या डिफरेंस होता है। और हाँ गाइस, जीपैक्स स्पोर्ट्स का एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यदि आप में से किसी को बैट का नॉकिंग करवाना है तो आप इस शॉप में विजिट कर सकते हैं। नॉकिंग का चार्जेस 500 रुपीज़ पर बैट है। ये एक प्रो शॉप है, इन केस आपको क्रिकेट गियर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप इस शॉप में एक बार विजिट कीजिए, यहाँ पर आपको बहुत तरह की वैरायटी मिलेगी। गाइस, इस वीडियो में हमने नया कंटेंट प्रोड्यूस करने का कोशिश किया है, होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगी।